कमाल के मैजिक जो आप पहली बार देखोगे और लास्ट वाला तो आप भी कर सकते हो। नंबर एक, इस जादूगर को देखो जो पुलिस से भाग रहा होता है और दीवार पर चढ़ने के लिए अपनी ही परछाई का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है, और जब पुलिस इसकी परछाई को पकड़ती है तो वो भी गायब हो जाती है। नंबर दो, अब इस जादूगर को ध्यान से देखो जो इस कपड़े के अंदर कुछ मिलाता है, फिर इसको हवा में घुमाता है, फिर इसको टेबल पर रख देता है, जिसके बाद इस कपड़े से एक सांप निकलने लगता है जिसे देख कर सभी लोग डर जाते हैं। दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा है उसी तरह का सेम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करके इस चैनल को मोनेटाइज कर लिया है। अब मोनेटाइज का प्रूफ मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप इस चीज को देख लीजिए कि इस चैनल पर केवल 14 वीडियो अपलोड किया है और 14 वीडियो अपलोड करके ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप इनकी शॉर्ट वीडियो पर व्यूज देख लीजिए, 30 मिलियन व्यूज, 17 मिलियन व्यूज, 4 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज, 1 मिलियन व्यूज, इनकी शॉर्ट वीडियो पर कुछ इस तरह का व्यूज आ रहा है। दोस्तों, अब आपने ये तो देख लिया है कि इस चैनल पर केवल 14 वीडियो अपलोड करके कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर लिए हैं, लेकिन दोस्तों बात तो यहां पर ये है कि ना ही तो इन वीडियो में कोई इंसान की वॉइस है और ना ही ये कोई अपना फेस दिखा रहे हैं, ये कॉपी पेस्ट कंटेंट है। और ये कॉपी पेस्ट कंटेंट होते हुए भी इन्होंने अपना चैनल मोनेटाइज आखिर कैसे कर लिया है, और दोस्तों आखिर ये कौन सी ट्रिक को लगा रहे हैं कि इनका कॉपी पेस्ट कंटेंट होते हुए भी इनका चैनल मोनेटाइज हो गया है, और ये कहां से वीडियो को लेते हैं और कैसे कहां से ये वॉइस को लेते हैं, कैसे स्क्रिप्ट को लिखते हैं, मैं आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। आपको ये भी बताऊंगा कि आपको वीडियो को एडिट कैसे करना है। आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो आप भी ऐसी तरह का वीडियो बनाकर अपने चैनल को इजीली मोनेटाइज कर सकते हैं और महीने की अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की वीडियो आप तभी बना पाओगे जब आप इस वीडियो को बिना स्किप कराए पूरा देखोगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा ही निवेदन है कि दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अब मैं आपको सबसे पहले तो प्रूफ बता देता हूं कि ये चैनल मोनेटाइज है। तो दोस्तों प्रूफ बताने के लिए मैं यहां पर किसी भी शॉर्ट वीडियो पर क्लिक कर लेता हूं, उसके बाद मैं यहां पर कमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं, और नीचे कोने में आप देख सकते हो सुपर थैंक्स वाला ऑप्शन आ रहा है। अब दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि सुपर थैंक्स वाला ऑप्शन उसी चैनल पर आता है जो चैनल मोनेटाइज है, तो मतलब कि ये चैनल मोनेटाइज है। अब मैंने आपको इसका प्रूफ तो बता दिया है, लेकिन अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इस तरह की वीडियो आप भी कैसे बना सकते हो और कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो इस तरह की वीडियो चाहिए होंगी। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको यूट्यूब पर ही आ जाना है, ठीक है ना। अब यूट्यूब पर आने के बाद में यूट्यूब पर आपको सर्च करना है जैक किंग, तो मैंने यहां पर सर्च कर लिया है। अब देखो दोस्तों यहां पर आपको इस चैनल पर क्लिक कर देना है। अब आपको शॉर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहां पर आप इस चैनल पर देख सकते हो 39 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। अब यहां पर जब आप शॉर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास में काफी शॉर्ट वीडियो आ जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर आप किसी भी शॉर्ट वीडियो को यहां से उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये वाला शॉर्ट वीडियो है, तो ये वाला शॉर्ट वीडियो उस चैनल ने भी इस्तेमाल किया था, तो इस शॉर्ट वीडियो को भी आपको डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ से आप और भी शॉर्ट वीडियो को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कि कहने की बात यह है कि आपको वीडियो इसी चैनल से उठाना है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ से मैंने कुछ वीडियो को डाउनलोड कर लिया है आपको बताने के लिए, लेकिन दोस्तों वीडियो आपको इसी चैनल से उठाना है। आप किसी भी वीडियो को यहाँ से उठा सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों जब आप वीडियो डाउनलोड कर लोगे तो आपको होम पर आ जाना है। अब होम पर आने के बाद में आपको सबसे पहले तो एक स्क्रिप्ट लिखनी होगी, तो अब आपको स्क्रिप्ट क्या लिखनी है आप वो देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, ठीक है ना, लेकिन आपको कोई अलग स्क्रिप्ट लिखनी है अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। मतलब कि आपको पहले तो वीडियो को देखना है ध्यान से, और उसके बाद में आपको स्क्रिप्ट लिखना है। अब दोस्तों देखो यहाँ से, लेकिन यहाँ से आपको क्या करना होगा कि देखो यहाँ से जो ये लाइन है, कुछ कमाल के मैजिक जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, और लास्ट वाला तो आप भी कर सकते हो, तो ये तो आपको हर वीडियो में लगाना है, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपको ये स्क्रिप्ट मेरे टेलीग्राम पर चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना।
तो दोस्तों यहाँ से देखो, ये जो ये लाइन है ना ऊपर ऊपर की, ये तो आपको हर वीडियो में लिखना है। अब दोस्तों जब आपके पास में जब आप स्क्रिप्ट लिख लेते हो तो अब आपको जरूरत पड़ेगी वॉइस की। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर आप चाहो तो अपनी भी वॉइस दे सकते हो, और अगर आप अपनी वॉइस नहीं देना चाहते हैं तो आप AI की वॉइस दे सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको AI की वॉइस कहाँ से मिलेगी, तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ। और मैं जो आपको वॉइस बताने वाला हूँ, जो AI वॉइस बताने वाला हूँ, उससे आपका चैनल 100% गारंटी के साथ में मोनेटाइज होगा। लोग कहते हैं कि AI वॉइस से चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा। जिस वेबसाइट से मैं आपको AI वॉइस को जनरेट करके बताऊंगा, उसी वेबसाइट से अगर आप AI वॉइस को जनरेट करके और अपनी वीडियो में यूज करोगे तो आपका चैनल 100% गारंटी के साथ में मोनेटाइज होगा। तो दोस्तों देखो, AI वॉइस लेने के लिए आपको सबसे पहले तो क्रोम को ओपन कर लेना है, उसके बाद में आपको यहाँ से होम पर आ जाना है, और होम पर आने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च वाले टैब पर क्लिक कर देना है, और अब आपको यहाँ पर सर्च करना है रनवे AI। तो यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है, अब आपको इस पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। अब पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके पास में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो तीर वाला निशान आ रहा है, या फिर हो सकता है आपके पास में यहाँ पर 3 डॉट वाला ऑप्शन आए, तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास में 3 डॉट वाला ऑप्शन आ रहा है तो 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अगर ये तीर वाला ऑप्शन आ रहा है कोने में तो आपको इस तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट वाला, तो इस डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ट्राई रनवे पर क्लिक कर देना है। ट्राई रनवे पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जूम कर लेना है और ये इधर की तरफ कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा जनरेट ऑडियो वाला, तो इस जनरेट ऑडियो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और अब आपको यहाँ से थोड़ा जूम आउट कर लेना है, और अब आपको यहाँ से फिर से जूम कर लेना है, और अब आपको यहाँ से एक एरो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और आपको एक बार और क्लिक कर देना है, मतलब कि इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको 2 बार क्लिक करना है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ओल्ड वाला, तो इस ओल्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद में जूम आउट कर लेना है, और अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कर्नाटक वाला, तो इस कर्नाटक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद में आपको जूम आउट कर लेना है, और फिर से आपको यहाँ से जूम करना है और इधर की तरफ आपको ले आना है, ऊपर की साइड आपको ले आना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि आपको वहाँ पर नोटपैड पर आ जाना है जहाँ पर आपकी स्क्रिप्ट है, और यहाँ से आपके जो स्क्रिप्ट है उसे आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। अब स्क्रिप्ट को कॉपी करने के बाद में फिर से उसी वेबसाइट पर आपको आ जाना है। अब आपको यहाँ से आपकी जो स्क्रिप्ट है उसे आपको यहाँ से पेस्ट कर देना है। अब स्क्रिप्ट को पेस्ट करने के बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट वाला, तो इस जनरेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जो आपकी ऑडियो है वो यहाँ से जनरेट होना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ से आप देख सकते हो जो हमारी ऑडियो है वो जनरेट होना शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। अगर आपको आपकी ऑडियो दिखाई नहीं दे रही है, जनरेट हो रही है और वो दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पर आप जूम आउट कर लो या फिर जूम कर लो, आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब आपको बार बार जूम आउट जूम इन करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी वॉइस है वो यहाँ से जनरेट हो चुकी है। अब मैं आपको एक बार वॉइस को भी चला के बता देता हूँ। जो आपने कभी नहीं देखे होंगे और लास्ट वाला तो आप भी कर सकते हो, तो ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी AI वॉइस है वो कितनी अच्छी तरीके से जनरेट हुई है, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है कि जो AI वॉइस है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इस वॉइस को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड वाला, तो इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जब आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आपकी जो ऑडियो है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको होम पर आ जाना है, और होम पर आने के बाद में यहाँ से आपको कैन मास्टर को ओपन कर लेना है। अगर आप चाहो तो और भी किसी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, ठीक है ना। कैन मास्टर को ओपन करने के बाद में क्रिएट नाउ पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद में 9:16 को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और अब आपको यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वो वीडियो ले लेनी है जो आपकी सबसे पहली वीडियो है, ठीक है ना। जो वीडियो आपने उस चैनल से डाउनलोड की थी ना, वही वीडियो आपको यहाँ पर लेनी है। तो दोस्तों अब देखो, यहाँ पर ये वीडियो आ चुकी है। अब आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ से जो हमारी वीडियो है वो शुरू हो रही है, अब आपको यहाँ पर वीडियो को रोक देना है, उसके बाद में कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, अब आपको यहाँ पर ट्रिम लेफ्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब आपको फिर से वीडियो वाली लेयर पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में इस वीडियो को थोड़ा आगे ले आना है,
अब वीडियो को थोड़ा आगे ले आने के बाद में फिर से आपको कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अब आपको यहाँ पर ट्रिम राइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से जो आपकी ऑडियो है जो आपने AI वॉइस जनरेट की थी वो आपको यहाँ से पहले तो ऐड कर लेनी है, या फिर आप अपनी वॉइस देना चाहते हो तो वो भी आपको ऐड कर लेनी है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से वॉइस को ऐड कर लिया है, अब मैं एक बार चला के देख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से देखिए कुछ कमाल के मैजिक। अब हमको जो ये वीडियो है, जो पहली वाली वीडियो है, इसको इतना ही रखना है, ठीक है ना। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस वीडियो का, इसको आपको फिर से कट कर देना है, ठीक है ना। अब कट कर दिया, अब आपको क्या करना है कि दूसरी वाली वीडियो को लेना है। अब दूसरी वाली वीडियो को लेने के लिए आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपके जो दूसरी वीडियो है उसे आपको यहाँ पर ले लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने दूसरी वाली वीडियो को ले लिया है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो जो दूसरी वाली वीडियो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिक्सर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो इसकी वॉइस है इसको आपको बिल्कुल म्यूट कर देना है। इसी तरह से आपको पहली वाली वीडियो की भी वॉइस को यहाँ से बिल्कुल म्यूट कर देना है, ठीक है ना। अब म्यूट कर देने के बाद में अब मैं देखो फिर से एक बार चला के देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ से जो ये दूसरी वाली वीडियो है तो ये यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ से जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इसे भी हम कट कर देते हैं। तो कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद में ट्रिम लेफ्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। पहले तो इसे सही से एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में ट्रिम लेफ्ट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो दोबारा चला के देख लेते हैं वीडियो को। तो ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी दूसरी वाली वीडियो है वो भी यहाँ से सही से एडजस्ट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहा है नंबर वन, तो यहाँ पर देखो इस यहाँ से जो दूसरी वाली वीडियो है इसको भी यहाँ से आपको कट कर देना है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर नंबर वन, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको एक नंबर वन वाली वीडियो को लगा देना है। पहले तो आपको क्या करना है कि एक एनिमेशन लगाना है। तो किस प्रकार का एनिमेशन लगाना है पहले तो आप वो देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर उस एनिमेशन को लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन था वो मैंने यहाँ से ऐड कर दिया है। अब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में यहाँ पर आपका जो यहाँ पर देखो पहला नंबर लिखा रहा है जो नंबर वन, ठीक है, तो यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने कट कर लिया है। अब उसके बाद में आपको इसे यहाँ से भी कट कर देना है, लेकिन पहले तो आपको यहाँ से वीडियो को चला कर देख लेना है, ठीक है ना, नंबर वन। तो यहाँ पर आपको इसे कट कर देना है, ठीक है ना, इसे सही से एडजस्ट करके और इसे आगे के जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका एनिमेशन का इसे भी आपको कट कर देना है, ठीक है ना। अब इसका जो मिक्सर पर जाकर आप इसकी जो एनिमेशन की वॉइस है इसको भी आपको कम कर देना है, ठीक है ना, म्यूट नहीं करना है आपको, केवल कम करना है। अब कम करने के बाद में यहाँ पर आपको फिर से इस एनिमेशन लेयर पर क्लिक कर देना है और पेन एंड जूम पर क्लिक कर देना है और इक्वल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसे यहाँ से आपको सही से जूम कर देना है, ठीक है ना। तो देखो हमने यहाँ से सही से जूम कर दिया है, आपको भी कुछ इस प्रकार से जूम कर लेना है। अब यहाँ से देखो जो नंबर वन वीडियो है वो यहाँ से आपको ऐड कर लेनी है। तो जो हमारी नंबर वन वीडियो है हम उसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी नंबर वन वाली वीडियो थी वो हमने यहाँ से ऐड कर ली है। अब देखो यहाँ से हम वीडियो को चलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो पहले तो आपको वीडियो वाले लेयर पर क्लिक कर देना है और इस मिक्सर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उस वीडियो की आपको जो वॉइस है इसको बिल्कुल म्यूट कर देना है, ठीक है ना। अब इस वॉइस को म्यूट कर देने के बाद में आपको देखो फिर से वीडियो को चला के देख लेना है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर डर के भाग जाती है। अब जो यहाँ से एक्स्ट्रा वॉइस है ना उसको आपको यहाँ से कट कर देना है। तो देखो एक्स्ट्रा वॉइस कट करने के लिए आपको कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको जो आपकी जहाँ से वॉइस शुरू हो रही है वहाँ पर आ जाना है, ठीक है ना। वहाँ पर आने के बाद में फिर से आपको इस कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ट्रिम लेफ्ट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब जो हमारी वॉइस है हम सही से एडजस्ट कर लेते हैं इसे, ठीक है ना। तो हमने इसे सही से एडजस्ट कर लिया है। अब देखो चला के देखते हैं। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है नंबर टू, ठीक है ना। तो पहले तो आपको यहाँ से इस वीडियो को कट कर देना है, ठीक है ना। वीडियो कट करने के बाद में यहाँ से आपको जो नंबर टू वाला एनिमेशन है उसको आपको यहाँ से ले लेना है। तो देखो पहले तो यहाँ पर इसकी जो वॉइस है इसको आपको कम कर लेना है, ठीक है ना। वॉइस को कम करने के बाद में
जो नंबर टू वाला एनिमेशन है उसको आपको यहाँ से ले लेना है। पहले तो आपको इसे सही से कट करना होगा, मतलब कि सही से इसे एडिट करना होगा। उसके बाद में अब आपको पेन एंड जूम पर क्लिक कर देना है, इक्वल पर क्लिक कर देना है और इसे आपको सही से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है ना। अब सही से एडजस्ट कर लिया, अब फिर से आपको एक बार और वीडियो को चला लेना है। अब देखो नंबर टू, ठीक है ना, इतना नंबर टू। उसके बाद में इस एनिमेशन को भी आपको कट कर देना है। उसके बाद में जो आपका नंबर टू वाला वीडियो था तो वो आपको यहाँ से अब ऐड कर लेना है, ठीक है ना। तो हम हमारा जो नंबर टू वाला वीडियो है उसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा वीडियो है उसको मैं एक बार चला के बता देता हूँ। पहले तो इसकी जो वीडियो है इसकी भी वॉइस को आपको बिल्कुल म्यूट कर देना है, ठीक है ना। अब म्यूट करने के बाद में फिर से मैं चला के बता देता हूँ। अब इस जादूगर को देखिए, ये एक सीढ़ी लेकर आता और सूर्य को निकाल कर एक दूसरा सूर्य लगा देता है। अब दोस्तों जो हमारा वीडियो है इसकी जो वीडियो की स्पीड है मैं इसे थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है ना, जिससे कि हमारी जो वीडियो है और ऑडियो है वो दोनों मैच हो जाए। ये दोनों मैच नहीं हो रही है तो आपको भी कुछ इस प्रकार से कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारी वीडियो है वो कुछ इस प्रकार से एडिट हमने कर ली है, ठीक है ना। आपको भी कुछ इस प्रकार से ही एडिट करना है। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो आपकी वॉइस है उसी के अकॉर्डिंग आपकी वीडियो आनी चाहिए, मतलब कि आपके जो वीडियो है और ऑडियो है वो दोनों सेम होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए कि आपकी ऑडियो में कुछ और बोल रहा है और आप वीडियो में कुछ और ही चल रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी वीडियो को कोई नहीं देखेगा। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को आपको सही से एडिट करना है। सही से एडिट करने के बाद में आपको उस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको वीडियो को एडिट कर लेना है। और जो ये एनिमेशन है, ये एनिमेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। दोस्तों आपको वीडियो को कुछ इस तरह से एडिट कर लेना है और इस तरह से एडिट करके आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार से वीडियो बनाई जाती है, इसी प्रकार से वीडियो बनाकर आप अपने चैनल पर अपलोड करो, आराम से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, आपका चैनल इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस, जय हिंद।